ये जीने के वास्ते क्या है, बेसिक एक एनिमिटीज नहीं है। आज उसके वास्ते भी क्या है, आज लोग यहाँ पर है महरूम, ना तो ठीक से रोटी मिल रहा है, ना तो ठीक से कपड़ा मिल रहा है, और ना तो ठीक से मकान जो है मिलने को। रीजन क्या होगा बोला तो, ये करप्शन गवर्नमेंट, ये करप्टेड जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की वजह से। तो हर एक आदमी भी ये चाहता है कि उसकी जिंदगी जो है अच्छे से अच्छी तरीके से गुजरे हो, मगर ये अपने आप को जो है विकास के नारे लेने वाले और सबका साथ को विकास करने वाला लोग यहाँ हो रहा है। वो बोला तो खुद उनका विकास जो है हो रहा है। आज तुम्हें एमएलए और एमपी के तुम्हें बैकग्राउंड चक्कर को देखेंगे, बीजेपी के आने के पहले उनके पास जब उनका प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो क्या था उनका, उनका स्टेटस क्या था, उनका स्टेटस उनका जीरो था, कुछ नहीं थे। उन्होंने जैसे ही बीजेपी के अंदर आती करोड़ों की जो है आस्ती लुवाएंगे, करोड़ों के रुपए लोगों के पास, ये सभी कैसे आते हैं सो, ये सभी घोटाले की वजह से क्या है सो, ये करप्शन की वजह से ऐसा जो है चीजें चल रहा है। यहाँ पर एक कॉमन एक मामूली इंसान जो है अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के वास्ते तरस लगा है, तरस लगा है, खाने के वास्ते खाना नहीं आया, मामूली एक लोगों के वास्ते ऐसे लोगों को जो है कुछ सहूलत है फैसिलिटीज देने के बजाय ये लोगों का एक निकाह किसको है वो बोला तो, कैसा हमें एक कौम को दूसरे कौम को लड़ाना, कैसा जो है तफरीका पैदा करना हमें लगा लगे। तो एसटीपी बहुत सारा से जो ये आवाज उठा लगा है, हमारा नारा भी क्या है वो बोलो तो, भूख से आजादी और खौफ से आजादी। आज दो चीजें जो है बहुत यहाँ पर देखने को जो है मिलता है, सबसे ज्यादा खौफ, सबसे ज्यादा भूख कहाँ पर। एक जमाना था हमें यूपी बोलते थे, यूपी के अंदर एक खौफ का माहौल, यूपी के अंदर एक भूख का माहौल, वैसा जो है कंडीशन यहाँ पर कर्नाटक के अंदर ये बीजेपी के लोग जो है गला गला हुई। तो हमारा नारा ये है, इतने दिन से जो है तुमने कौन भी एक पूछने वाला नहीं ठहरेगा, तुम्हारे खिलाफ उठ को बात करने वाला लोग नहीं ठहरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपा को यहाँ पर जो है मैदान पर उतर हुआ है, तुम्हारे जितने भी ऐसा हरकत आई उसे रोकने के वास्ते सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह एसटीपी के लोग एसटीपी कैडर्स जो है यहाँ पर आकर रोड़ा पर उतरेंगे। जब कभी भी जरूरत पड़ते है, जब कभी भी जरूरत पड़ते है तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाने के वास्ते हमें आवाज उठाती है, हमें आवाज है उठाती है। तुम्हें कैसे कैसे तरीके लगा को हम रोकेंगे, रोक को दिखाओ, तुम रोक को दिखाओ, तुम्हारे हाथ से नहीं होता। क्यों बोलो हमारे भैया को एक है तो केडर बेस पॉलिटिकल पार्टी है, ये सभी हम लोगों को मालूम है। अगर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे तो तुम्हें आपको हमारे ऊपर क्या है जुलम करती है, तुम्हें क्या है पुलिस की एट्रोसिटी करती है हमारे ऊपर, हम सभी चीजें मालूम है। ये मालूम रख लो कुछ हमें आपको एस डी बी ए के अंदर जुड़ गए, ये जो सभी चीजें अंदर आकर तुम्हें डरा देंगे बोलो तो ये क्या है, ये खाब तुम्हारा क्या है छूटा है, ये साथ तुम्हारे साथ को जो है हमें नाकाम जो है कर दी इंशाल्लाह। और जब कभी भी जरूरत पड़ते है चाहे कौन सी भी जो है कौम रंदे हो, चाहे हिंदू रंदे है, चाहे मुस्लिम रंदे, चाहे क्रिश्चियन रंदे, क्योंकि तो आज का जो एजेंडा हमें जो जिस एजेंडे के ऊपर आज प्रोटेस्ट कर लोग वही कौन सी भी एक कौम का कौन सी भी एक साथ का एजेंडा नहीं है, ये आपको हर एक इंसान का जो है एजेंडा है। आज क्या हो रहा है पीएसआई के अंदर जो है स्कैम, प्राइस जो है रेस दिन ब दिन जो है पेट्रोल का जो है रेट के अंदर बढ़ोती, गैस के अंदर जो है रेट के अंदर बढ़ोती है। आज हाल ही में रिसेंट सुबह की न्यूज में देखो तुम्हें 50 रुपए जो है एलपीजी के ऊपर बढ़ता है, 50 रुपए रेट जो है एलपीजी के ऊपर बढ़ता है, और सबसे सब्सिडीज भी क्या होगा यहाँ पर लोग आगे अलग हो रही 1050 रुपए 1100 रुपए इसका जो एलपीजी का सिलेंडर है, सिलेंडर है कैसा जो है आदमी गुजारा करना उसका, ये लोगों को कैसा मालूम होता है। ये लोग जो है कभी भी गरीबी की जिंदगी जब को नहीं हुई, आराम से एसी के कारण में बैठना, घूमना फिरना, मजा करना, आयश करना, पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर अंताक्षरी खेलना, ये सभी काम है इनके। यहाँ पर लोगों को आवाम जो है 3400 लीडर्स को जहाँ पर आवाम के खिलाफ जो है जो भी पॉलिसीज आवाम के खिलाफ बन लोग हुई उनके खिलाफ आवाज उठाने वो बोलते सो, मगर हमारी बदकिस्मती ऐसी कैसी है बोलता, हमारे जो लीडर्स को हमें चुनको भेजती है उन्हें अपने जिम्मेदारियों को भूल जाएगा, उन्हें क्या करें सो, अपने अपने लीडर्स अपने अपने कुर्सी की जो है हिफाजत कर लोगो, उनकी कुर्सी जो है कैसा बचाना देख लोगो, कौन सा भी एक मसला हो कभी भी जो है सामने आकर खड़े बात करते नहीं, जो मसला सॉर्ट आउट होगा रहता सॉल्व होगा रहता उसके बाद में जो है स्टेटमेंट आता सो क्या बोलो, हमें भी क्या है कि कहेंगे एक लाइन में ही बोलो आवाम के अंदर मालूम होना। आज आवाम भी जो है समझ को है, आज आवाम को जो है अच्छी तरह से मालूम है, पब्लिक को जो है धोखा देने को ही बोल को अलहमदुल्ला एस डी पी ए जो है हर हमेशा पब्लिक के वास्ते आवाम के वास्ते जब कभी भी जुलूम होता है
सबसे पहली लाइन में जो है करको जो है काम कर रहा है पार्टी है सोलन द्वारा। हमने क्या है इसके वास्ते अमर नायक एक गर्व जो है फील होता है, प्राउड जो है फील होता है। हमें आपको ऐसे एक पार्टी के जो है केडर जो है बनवा ही स्वामी हमारे जो मेहनत आई हमारे जो एक 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 हमारा जो जद्दोजहद जो है चल रहा है ये ऐसा जो है बेकार नहीं जाता है। ये धूप आएंगे अंदर जो है हमें जो है हमारे एहतजाज को हमारी मेहनत को जो हमें जाया ना हो करें स्वामी। जो हमारे आइंदा आने वाली नस्ल जो है हमारी जो है जनरेशन है हमारी जो पीढ़ी है वो जनरेशन को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है रेडी कर लगे अलग हुई हमें मालूम होता रहेगा। हमें जो है देखने को मिल रहा है हमारा रिजल्ट जो है बहुत लेट मिलेगा हमने जो है रिजल्ट बहुत लेट मिलेगा। मगर जो हमारी जो नस्ल है वो नस्ल जो है इंशाल्लाह एक दिन एक ब्राइट फ्यूचर जो है एक अच्छी एक जो है एक अच्छी बेहतरीन जो है जिंदगी यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर जो गुजार दी बगैर किसी डर के बगैर किसी खौफ के जो है हमारी आइंदा आने वाली जो नस्ल जो है इंडिया के अंदर एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी जो है गुजार दी। और जो मुझे दो बातें बोलने के वास्ते मौका दिया सो हमारे एसडीपीए के असेंबली के लीडर्स का जो है मैं शुक्रिया करता हूँ और मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।